फतेहाबाद के गांव बड़ोप्पल में बिजली की किल्लत से जूझ रहे ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार आज फूट पड़ा। बिजली निगम और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए सैकड़ों ग्रामीण बिजली घर के बाहर जमा हो गए और निगम कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने बिजली निगम प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। निगम के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि गांव वालों ने इस शर्त पर निगम को सब स्टेशन बनाने के लिए जमीन इसलिए दी थी कि उन्हें 24 घंटे बिजली मिलेगी, मगर उन्हें पूरे दिन में मात्र 10 से 12 घंटे ही बिजली सप्लाई मिल पा रही है। गांव वालों का कहना है कि बिजली ना आने की वजह से उन्हें पूरी पूरी रात जाग कर गुजारनी पड़ती है। बार बार लग रहे बिजली के कट की वजह से लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक उन्हें सुचारू रूप से बिजली नहीं मिलती तब तक ये धरना जारी रखेंगे। ना होने के कारण और हमारे गांव में 100% पिलर बॉक्स लगे हुए हैं और 100% ही हम बिल जमा करवा रहे हैं और हमें लाइट दी जा रही है 12 घंटे, तो उसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है और उसी को लेकर धरना दिया गया। बिल्कुल ताला लगाया गया है और सभी कर्मचारियों से अनुरोध करके कि आप काम बंद रखें, हमारी जो मांग है वो पूरी करें, उसके बाद आप अपना काम सुचारू रूप से करें। तो लाइट मिल रही है जी, और वो भी सुबह 4 बजे ही कट कर देते हैं जी। सभी किसान मजदूर जो है वो 4 बजे कब तो उठे, कब अपने कपड़े धोए, कब क्या करें, तो बहुत बुरा हाल कर रखा है। और खासकर जो शमशेर सिंह एक्शन है, उन्होंने हम 4-5 बार उनसे मिले तो उन्होंने कहा इस मैटर में तो आओ नहीं, मैं बड़ोप्पल आज नहीं चलने दूंगा और कल भी नहीं चलने दूंगा। तो जिससे आ रही है जी पानी बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, उसी से तंग आकर सभी ग्रामीणों ने ये फैसला लिया है कि हम धरना देंगे, हम अपना हक लेकर रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। इंडेक्स के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।